जय श्री कृष्णा, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं वेंडरिंग विलेजर। आज मेरी पहली बस जर्नी है गुजरात गवर्नमेंट की बस से, जो हम जाने वाले हैं गुजरात से राजस्थान। आज हमारा रूट है बोरसद से नाथद्वारा और हमारा बस का रूट है बोरसद से आमेट। तो मैं ये आपको रूट दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बोरसद से आनंद, नड़ियाद, कपड़वंज, मोड़ासा, रतनपुर बॉर्डर, खेरवाड़ा और उदयपुर और नाथद्वारा। और इस बस की मैं प्राइस की बात करूं तो अगर आप बस के अंदर से टिकट लेंगे तो 367 रुपये का पड़ेगा और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 383 रुपये का पड़ेगा। इस बस का अभी स्टार्ट हुई है 1/6/2023 को, बस भी नहीं है, लग्जरी कोच और रूट भी नया है। तो ये बस हर रोज़ बोरसद से रात को 8 बजे चलती है और आपको सुबह आमेट पहुँचाएँगी 6:20 को और नाथद्वारा पहुँचाएँगी 5:20 को। और चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसी जर्नी रहेगी। तो पहले देखते हैं बोरसद का बस स्टेशन और बाद में बस। चलिए शुरुआत करते हैं इस नई यात्रा की। तो देख सकते हैं आप, हमारी बस आ चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारी बस आ चुकी है और ये है, आप देख सकते हैं, ये बोर्ड देख सकते हैं बोरसद से नाथद्वारा, आमेट, कठलाल, कपड़वंज, गायड़, मोड़ासा, उदयपुर, राजसमंद, केलवा। ये आप देख सकते हैं बोरसद डेपो का बस है, ये GSRTC की बेसिंग ये बस है कुछ ऐसा ऐसा आपको कुछ बस दिखेगा। ये नई है GSRTC की स्काई ब्लू, बैटरी बॉक्स है, ये लगेज बॉक्स हो गया। पीछे से काफ़ी बड़ी है, ये पीछे भी आप देख सकते हो बोरसद से आमेट, ये पीछे भी लगेज बॉक्स है। बस नंबर है 8965, लग्जरी कोच है। चलिए दोस्तों देखते हैं बस के अंदर कैसी सीट है, कैसे पुशबैक है। चलिए दोस्तों देखते हैं बस के अंदर, ये है ड्राइवर का कैबिन। ये ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। ये ड्राइवर साहब, और ये है ऐसा कुछ बस। बैठ जाओ, बैठ जाओ सर जी। ओके, ये सीट है पुश बैक, काफी कुशन वाली है। और ये आपका 7-8 में बैठते बैठ जाता बैक सीट पे ना, एक बाकी है बुकिंग पका पण खबर नहीं। ये अपनी टोटल है 41 सीट है टोटल। ये पीछे का बोर्ड है बस का और ये इमरजेंसी एक्सिट है। अभी तो पूरी खाली है लेकिन आगे जाके फुल बुकिंग हो गई है इस बस की। ये फर्स्ट गेट है ना, ना जवाई ट्रेन में जवाई हूँ कसू नहीं। अरे ना ना कसू ना लिया। ये दोस्तों आनंद का बस स्टेशन, जो अब हम आ चुके हैं दोस्तों अपनी इस जर्नी के 20 किलोमीटर की
दूरी को तय करके आनंद जो है आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आनंद सिटी। कंडक्टर साहब क्या नाम है आपका? ये बस नाथद्वारा सुबह कितने बजे उतारेगी? वेट कितने बजे? 6 बजे। ओके थैंक यू। अभी ये बस तो सीजन के अनुसार तो फुल ही जाएगी ना। ओके थैंक यू। नड़ियाद बस स्टेशन जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये है नड़ियाद का बस स्टेशन जो हमारी जर्नी 45 किलोमीटर की दूरी कवर करके आ चुकी है नड़ियाद। अब हम आ चुके हैं मऊधा डेपो जो गुजरात के खेड़ा जिले में है। हमारी अभी टाइम हुआ 9:50 पे। बनाना नहीं
ગાય નહી, કૂતરા નહી, બાઇક નહી, પેસેન્જર તમારે પેક થઈ ગઈ ગાડી, સ્ટોપ છોડી દીધો ઊંઘી જ જાય, કોઈ કશું કઈ મગજ કોઈ મગજ મારી નહીં, કશું નહીં. સવારે 4 વાગે આપણે ઉતરવાનું છે, 4 વાગે પેલી ઊંઘી ના. અને નાઇટમાં શું લોકો ઓછું ખાત કે 10:45 હો ચુકે હૈ, યે હૈ કપડવંજ બાયડ જો હાઈવે હૈ વહીં પે અપની બસ રુકી હૈ સિર્ફ ચાય પાણી કરને કે લિયે, ઓર યે આપ ઉતને દે સકતે હો, બસ કા બોર્ડ હૈ હિન્દી મેં લિખા હૈ, બોર્ડ સાથ સામે તમારી બસ રુકી હૈ કપડવંજ સે બાયડ પે, બાયડ કી હાઈવે પે જો 10:45 હુઈ હૈ ચાય પાણી કે લિયે, 10-15 મિનિટ કે લિયે. પણ 8 જણા મોડા થાય, 1 જણા ધમસુર હૈ.
अभी इस जर्नी की 125 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं हम बायड़, जो अरवली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। પણ પહેલા કરતા બે નંબર ઓછું થઈ ગયું છે એમ ને। એ લોકો ના મેં જોયું, મેન માટી જ છે, પેલું પુરાણ કરવા જોયું ને રોડ નું। Thank you.
રહી થતું એટલે બહાર નું કરાયું બતાવતું. ચોકડી ઉતારે છે પેલા हमारी इस जर्नी के 153 किलोमीटर के कवर करने के बाद अभी हम मौड़ासा और ये पड़ता है अरवली डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी बज चुके हैं रात के 12:15। ખાવા ખાઈ ગયા
और एक बार मैं आपको बस का रूट दिखा दूं, मुरसद से आनंद नड़िया, कथलाल कपड़वंज, भायड़ मोड़ा जयपुर, राजसमंद केलवा से होते हुए नाथद्वारा और लास्ट में आमेर। अभी हम दोस्तों आ चुके हैं सामड़ाजी से रतनपुर बॉर्डर हाईवे पे, जो अहमदाबाद उदयपुर का हाईवे है। रात के 1 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी खाने के लिए रुका है 15-20 मिनट के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ होटल। और बाद ये बाजू में लग्जरी खड़ी है, प्राइवेट लग्जरी। ऐसी कुछ हमारी बस दिखती है बाहर से। रतनपुर बॉर्डर ये दोस्तों रात को अभी 1:30 बजे है और अपनी जो जर्नी है रतनपुर बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर के बीच है रतनपुर गांव, वहीं पे हमारी बस आ चुकी है।
Thank you.
अभी ये सुरंग आवे छे कई उठी जा हम पहला एक ज याद करा जे उठी जा ने होटल उठी जा ने करता बस एक करता तो उठी जा हां ये तो सु करा बेटा कितो ने तो उठी जा हम पप्पा ने कह जाने टाइम थी आ बच्चे उठी जा क्या रोज पड़ी जा आपे रातो पछी पैसेंजर आवता थे ले भाई पैसेंजर ते आवा के जाय के आयो ने ले सामने મહિનો બે મહિના થાય ને એટલે પછી ખબર પડે કે આ બસ હવે કાયમ રૂટ ચાલે છે. બાકી શરૂઆતમાં વચ્ચે કોઈ બોરસદ દ્વારકા ચાલુ કરી હતી એ પછી બંધ કરી દીધી. ડેપો મતલબ માં નડિયાદ જ લાગે એમ ને બરોબર अभी दोस्तों सुबह के 4:15 बज चुके हैं और नाथ द्वारा उदयपुर हाईवे पे हमारी बस कुछ चाय पानी के लिए रुकी है 10-15 मिनट. ये आप देख सकते हो यह होटल सांवरिया. यहाँ से अभी नाथ द्वारा है हमारी इस जर्नी का आखिरी स्टॉपेज जो 18 किलोमीटर की दूरी पर है और सिर्फ आधे घंटे का समय है. और इस बस का जो लास्ट स्टॉपेज है वो है आमेट. और हमारी इस जर्नी मुझे लगता है कि आधे घंटे या एक घंटे पहले ही पहुँचाएगी हमको नाथ द्वारा. ये है बस और ये है नई भारत 6 का बेसिंग और ये सच सौदा में सावजवत ये गुजरात एसटी का बेसिंग है. ये बोरसद डेपो की है और ये बस नंबर है.
सामान घर ले जाओ यही कुछ छोटा सा बस स्टेशन है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी बस जर्नी से नाथद्वारा, जो हमको पहुंचा है सुबह 5 बजे। तो इस जर्नी में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह बस जर्नी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई एक और जर्नी में।